इन खबर हरियाणा और राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, आपका रुख करते हुए, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से उन्हीं के अंदाज में उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगा देखकर, आगे भी रिपोर्ट भेजिएगा। लेकिन आज कुरुक्षेत्र का माहौल क्या है, पीएम मोदी के आने की उत्सुकता क्या है? निश्चित तौर पर, और पीएम मोदी की बात की जाए तो मोदी साहब लगातार कुरुक्षेत्र आते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, फिर विधानसभा चुनाव हो, 19 के लोकसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव हो, तो ये पांचवा दौरा होगा कुरुक्षेत्र का। मोदी साहब जब आएंगे तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। जीटी रोड बेल्ट की बात है, 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों पर सीधा असर बीजेपी चाहती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगाया गया है। 6 जिलों की जो 23 विधानसभा सीटें हैं उसमें निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण नाम भी हैं, लेकिन पिछली बार कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में, यानी कि यही 2024 में कुरुक्षेत्र में भाजपा जीती है, लेकिन इसके अलावा कुछ बेल्टों पर नुकसान हुआ था। वो डैमेज कंट्रोल जो भाजपा को हुआ है जीटी रोड बेल्ट में, उसको साधने का काम पीएम मोदी अपनी एक ही रैली से कर जाएंगे। थीम पार्क में शाम को पहुंचेंगे और कुरुक्षेत्र में बड़ा मंच लग के तैयार हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ये बात रचना मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि उस मंच पर खाली कुरुक्षेत्र मान के ना चला जाए, 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवार भी पीएम मोदी के साथ एक खास मंच बनाया गया है, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कौन कौन रहेंगे ये भी दर्शकों तक जानकारी पहुँचनी चाहिए। करनाल जिला में करनाल से जगमोहन आनंद, इंद्री से घरोंडा से अरविंदर कल्याण, असन से योगेंद्र राणा, इसके अलावा लाड़वा से खुद सैनी, नायब सैनी जो मौजूदा सीएम है वो लड़ रहे हैं, शाहबाद से सुभाष चंद्र है, थानेसर से सुभाष सुदा हैं, इसके अलावा अम्बाला कैंट से अनिल विज भी रहेंगे, नारायणगढ़ से पवन कुमार रहेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि सीट को लेकर जो तमाम तैयारी है, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, स्पीकर जो हैं वो भी हैं, और कालका से शक्ति रानी शर्मा, एक और बड़ा चेहरा जो भाजपा ने शामिल कराया था, और शक्ति रानी शर्मा जो कि मेयर हैं अम्बाला की, फर्स्ट लेडी हैं, उनको भाजपा में शामिल होने के बाद जिम्मेवारी दी गई है कालका से, तो कालका की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। कल की कुछ खास तस्वीरें भी आई और कालका और बाकी जगह से खुद जो कार्तिकेय शर्मा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो और उनके परिवार के तमाम सदस्य खुद जो इनविटेशन कार्ड है वो बांटते नजर आए। तो ये महत्वपूर्ण मंच है, इसकी जो आवाज है पंचकुला और कालका विधानसभा तक भी जाएगी, और तमाम उम्मीदवार जैसे बताया मैंने कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उसके अलावा 23 ऐसे 6 जिलों के हैं उम्मीदवार जिनको इस मंच पर रखा जाएगा। जीटी रोड बेल्ट साधने की भाजपा की ये सबसे पहली कोशिश है इस चुनाव में, और सबसे बड़ा चेहरा ही पहली बार में भाजपा उतारने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कौन होगा, और सीधे पहली रैली से ही जीटी रोड बेल्ट का जो संदेश जाएगा उसका असर आपको अम्बाला में नजर आएगा, उसका असर आपको यमुनानगर में नजर आएगा, और अम्बाला के साथ ही जो है पंचकुला और ये जो तमाम सीटें हैं कालका की, यहाँ तक इसका असर करने के लिए तमाम उम्मीदवारों को उस मंच पर बुलाया गया है। विनोद, आपने बताया कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं कुरुक्षेत्र में, साथ ही साथ पीएम मोदी का यहाँ पर पहुंचना आसपास की कौन कौन सीटों पर प्रभाव डालेगा, यानी अच्छा खासा प्रभाव हरियाणा में देखने को मिल रहा है और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है। और मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अमित अरोड़ा, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, राजीव अरोड़ा माफ कीजिएगा मेरे साथ में है राजीव, जो कुरुक्षेत्र का माहौल है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, जाहिर सी बात है देश के पीएम भी हैं, कुरुक्षेत्र की जनता किस तरीके से इंतजार कर रही है और इस बार मुद्दे कौन कौन से हैं, बीजेपी कौन कौन से मुद्दों पर काम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए यदि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जो जनता है वो बेताबी से इंतजार कर रही है। जैसे कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी विनोद लांबा जी ने बताया कि इससे पहले जो है, चाहे वर्ष 2014 की बात हो, वर्ष 2019 की बात हो, पीएम मोदी यहाँ पर आ चुके हैं और अच्छा खासा जो है प्रभाव जो है यहाँ के मतदाताओं पर उनका पड़ा था, और आज भी जो है जीटी रोड बेल्ट को साधने की कोशिश की गई है। आमतौर पर जो ये रैलियां होती हैं, चुनावी शंखनाद होता है, तो वो अहिरवाल से शुरू किया जाता है, लेकिन चाहे वर्ष 2014 की बात हो, वर्ष 2019 की बात हो, जीटी रोड बेल्ट से जो है अच्छी खासी संख्या में जो है भाजपा के जो विधायक आए थे, तो इस बार कहीं ना कहीं जो है जीटी रोड बेल्ट को जो है पुनः से साधने के लिए और जो हैट्रिक लगाने के लिए जो है पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ये निर्णय लिया कि इस बार जो है जीटी रोड बेल्ट से जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जो है चुनावी हुंकार भरी जाए, तो जिसको लेकर जो है
यहाँ के यदि मतदाताओं की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, तो उनमें जो है खासा उत्साह देखा जा सकता है। 12 एकड़ में जो है विशालकाय पंडाल में जो है ये रैली होगी, जिसके लिए एक विशालकाय पंडाल लगाया गया है, जहाँ की जो है हजारों लोगों के जो बैठने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि 23 विधानसभा क्षेत्रों से जो है प्रतिनिधि आने हैं, 6 जिलों से जो है और 3 लोकसभा क्षेत्रों से, अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों के जो 23 जिलों से जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारी भीड़ भी जो है जुटने की संभावना है। क्योंकि आम मोदी का जो है मैजिक वो अभी भी बरकरार कहा जा सकता है, तो जो इस रैली में जो है भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद लग रही है। अब लोग भारी संख्या में जुटेंगे और प्रचार में पहुंचेंगे, नेताओं को सुनेंगे, लेकिन कौन से मुद्दे जो जहन में सबसे ज्यादा चल रहे हैं विनोद? चूंकि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये वक्त ऐसा रहता है किसी भी पत्रकार के लिए चुनावों का, जब लोगों के बीच में जाना, उनके मन की बात को टटोलना, आपको क्या लग रहा है? एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है कांग्रेस के लिए, स्कोप ज्यादा है, या फिर आम आदमी पार्टी जो नई नई किस्मत आजमा रही है हरियाणा में? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद किस तरह का बूस्ट मिलता है आम आदमी पार्टी के कैंपेन को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जींद के बेटे बताते हैं और भिवानी साइड का और जींद के साइड का उनका जो गांव का कनेक्शन है वो कितना चलता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन का जो फैसला होता है वोटर्स के, मतदाताओं के मूड के हिसाब से होता है। लेकिन अभी तक के को लेकर ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि सीधा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस लग रहा है, और अभी तक इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा थोड़ी बैकफुट पे जरूर नजर आई है, लेकिन स्टार प्रचारकों के, पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे के बाद किस तरह का खेल इस पूरे चुनाव में हो जाए, भविष्यवाणी करना नहीं चाहिए चुनाव को लेकर, क्योंकि इनके नतीजे तो सीधे मतदाताओं के हाथ में होते हैं। लेकिन रचना, मैं अपने व्यूअर्स को एक हिंट जरूर दूंगा कि ये जो चुनाव है, अभी तक की जो परिस्थिति है, कल क्या बलटेगा, हम आज की बात कर रहे हैं, और जब हम तमाम व्यूअर्स के साथ बैठकर ये सामने खड़े होकर ये चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी चुनाव बनता जा रहा है। कोई और उसमें क्या बनाएगा, मेरे सहयोगी ने बताया ग्राउंड जीरो से कि किस तरह का माहौल रहा है और क्यों। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली मेरे सहयोगी ने, ये कहा कि भाई जीटी रोड बेल्ट से शुरुआत कर रहे हैं, अमूमन देखा जाता था कि अहिरवाल से करते हैं, तो चुनाव से पहले अमित शाह साहब जो कि देश के गृह मंत्री हैं वो अहिरवाल में रैली कर चुके हैं, महेंद्रगढ़ में रैली कर चुके हैं। लेकिन यहां चुनाव की घोषणा के बाद, लिस्ट बंटने के बाद, यानी कि टिकट बंटने के बाद, पीएम मोदी का जीटी रोड पे बेल्ट पे आना, और 3 लोकसभाओं में से लोकसभा हारे भी हैं, और लोकसभा में अंबाला आप हारे हैं, कुरुक्षेत्र भाजपा जीती है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि जब पीएम मोदी जैसा बूस्ट मिलेगा इन तमाम उम्मीदवारों को, और मैंने कहा साफ तौर पर कि अंबाला तक, कुरुक्षेत्र तक, यमुनानगर तक, और इवन कालका तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना एक अच्छा प्रभाव डालेगा, और कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में अभी भी माना जा रहा है, और आज पीएम मोदी का पहुंचना अलग अलग सीट पर इनफैक्ट दूर दूर तक प्रभाव डालेगा, ये तय समझिए।